My name is Atuli Kumar, assistant professor BVD ITM Lucknow. Today we are going to study about boundary layer introduction to it basically. So, let us start. Content of today's topic is what is boundary layer, boundary layer in laminar flow, turbulent flow, what is critical velocity, Renaud, uh, critical Reynolds number, and boundary layer theory. ok. So, let us start. First of all, boundary layer, uh, layer theory was coined by L. Pantel in 1904. एल पेंडल साहब ने नाइनटीन हंड्रेड में बाउंड्री लेयर थ्योरी का सबसे पहला एक्सप्लेनेशन दिया था कि बाउंड्री लेयर थेरी होती क्या बेसिकली बाउंड्री लेयर जो होती है बाउंड्री लेयर मतलब क्या होता है कि एक कोई भी सरफेस होगा कोई भी क्लोज सरफेस होगा उसको हम लोग लेयर बोल सकते हैं तो बाउंड्री लेयर होता क्या है इस चीज़ को समझने के लिए सपोज़ करिए कि हम लोग एक किसी भी बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं टॉप बिल्डिंग हाई रेस बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं और हम लोग उस छत पे खड़े होने के बाद हम लोग सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर रहे हैं सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रैफिक है ट्रैफिक में मिक्स कंडीशन होता है कोई आ, कोई भी व्हीकल अपनी स्पीड के हिसाब से कभी फास्ट चल रहा होगा कभी स्लो चल रहा होगा कभी मॉडरेट स्पीड पे चल रहा होगा तो हम सपोज़ करिए कि हम किसी बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं और ये यहाँ से ट्रैफिक फ्लो कर रहा है ये ट्रैफिक फ्लो कर रहा है इसमें से जो ए कुछ एक ट्रैफिक इस तरीके से है कुछ एक व्हीकल का जो मोमेंट होता है कुछ इस तरीके से इस तरीके से मोमेंट इससे तो कुछ व्हीकल जो है वो स्पीड से बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं कुछ स्लो स्पीड से चल रहे हैं कोई मॉडरेट स्पीड से चल रहा है एज ए ऑब्जर्वर जब हम उस छत से उस कंडीशन को देख रहे हैं तो अगर आप सपोज़ करिए कि हम लोग अगर एक एक ऐसी व्हीकल एक ऐसा व्हीकल को पॉइंट आउट करें जो कि बहुत ही हाई स्पीड से चल रहा हो सपोज़ करिए कि जो स्पीड की लिमिट है उस रोड पर वो सिक्सटी के एम पी है एंड वो जो व्हीकल है वो जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है ग्रेटर देन सिक्सटी एम पी एच पे तो अचानक से हम उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगेंगे उसको तो सपोज़ कर ये व्हीकल है ये यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ था टी इक्वल टू टी वन पे यहाँ पे पहुँचा टी इक्वल टू टी टू पर यहाँ पहुँचा और टी इक्वल टू टी फोर पर यहाँ पहुँचा इस तरीके से इसका मूवमेंट है इस तरीके इसका मूवमेंट है तो अगर हम इन सारों इन सारे पोजीशन को अगर हम किसी लाइन के साथ कनेक्ट करें इन सारे पोजीशन को किसी लाइन के साथ कनेक्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा इस तरीके से लाइन बनेगा ये लाइन क्या बिहेव कर रहा है ये लाइन क्या शो कर रहा है ये लाइन शो कर रहा है ये लाइन शो कर रहा है कि ये जो व्हीकल ए थी ये जो व्हीकल ए थी वो उसका मूवमेंट उसका मूवमेंट इस लाइन के अंग हुआ था इस लाइन के अलॉन्ग मूवमेंट हुआ था ये व्हीकल हो सकता है कभी इस इस लाइन पर कभी यहाँ पर भी हुआ होगा कभी इस पोजीशन पर भी कभी इस पोजीशन पर भी ठीक है सेम कंडीशन अगर हम फ्लूड के साथ बात करें फ्लूड के साथ क्योंकि हमें पता है कि फ्लूड भी क्या एक कोई भी फ्लूड है वो क्या होता है बहुत सारे पार्टिकल से फ्लूड की पार्टिकल से बना होता है कोई भी बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है ओके तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक फ्री स्ट्रीम था फ्री स्ट्रीम मतलब कि वो किसी भी सरफेस के साथ किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में ही है उस स्ट्रीम उस को हम लोग बोलते हैं फ्री स्ट्रीम उस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं फ्री स्ट्रीम फ्री स्ट्रीम वो होता है जो किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में ना हो किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है उस स्पीड उस स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं फ्री स्ट्रीम तो सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक uh, फ्लूड है जो कि फ्री स्ट्रीम कंडीशन में फ्री स्ट्रीम कंडीशन में फ्री स्ट्रीम कंडीशन में उसकी वेलोसिटी है यू इन्फानाइट फ्री स्ट्रीम कंडीशन में उसकी है U okay, U, infinite, उसकी वेलोसिटी है यू इन्फानाइट ओके कैपिटल यू इन्फानाइट उसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है मतलब उस टाइम में वो किसी भी सॉलिड सर्फेस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन सपोज़ कर अगर वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है तो क्या होता है अगर वो किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ या किसी भी प्लेट के साथ अगर कांटेक्ट में आता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है उसके ऊपर में स्ट्रेस एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा शेयर स्ट्रेस एक्ट करेंगे कि नहीं एक्ट करेंगे इन सारे चीज़ की स्टडी हम लोग इन सारा बिहेवियर ये सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग कहाँ स्टडी तो करेंगे ये सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे कहाँ बाउंड्री लेयर थेरी में बाउंड्री लेयर थेरी में ऑब्जर्व करेंगे ओके okay?

प्लेट है और ये प्लेट जो है ये स्टेशनरी कंडीशन यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है और यहाँ से सपोज़ करिए कि ये हमारा वाटर का सोर्स है नोजल है यहाँ से पानी आ रहा है इस पानी की जो फ्री स्ट्रीम कंडीशन अभी ये किसी भी सॉलिड सर्विस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इसकी जो वेलोसिटी है इस टाइम में ये यू यू इन्फानाइट है इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या है ये यू इन्फानाइट है ओके okay? तो ये क्या होगा जब ये इस प्लेट पर आएगा इस प्लेट पर आएगा इस प्लेट पर आएगा, आएगा तो जो जो पहला लेयर जो होगा जो इस प्लेट के ठीक नज़दीक में होगा जस्ट बगल में होगा इस लेयर पे जो वेलोसिटी होगी इस लेयर पे जो वेलोसिटी होगी इस लेयर पे जो वेलोसिटी होगी ये फ्लूड की वेलोसिटी हो जाती है u इक्वल टू जीरो और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब फ्लूड की वेलोसिटी जब फ्लूड की वेलोसिटी सॉलिड बाउंड्री या सॉलिड प्लेट की वेलोसिटी के बराबर में आ जाए उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या उस कंडीशन को बोला जाता है नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन ओके अब नो स्लिप कंडीशन के साथ साथ यहाँ एक चीज और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि सपोज करिए कि यह, यहां से पानी फ्लो होना स्टार्ट हुआ यहाँ से आया पहली वेलोसिटी लेयर ये बनी यहाँ पे यो पानी की जो वेलोसिटी है यो यू इक्वल टू जीरो यहाँ पे पानी की जो वेलोसिटी है वो यू इक्वल टू जीरो है नेक्स्ट लेयर आएगी कुछ इस तरीके से आएगी नेक्स्ट लेयर यहाँ आएगी ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यू वन इसकी वेलोसिटी यू टू इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू थ्री इस तरीके से धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो से बढ़ती चली जाएगी यानी कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है वेलोसिटी का इंक्रीमेंट किधर हो रहा है वेलोसिटी का इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो अलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन हो रहा है वेलोसिटी एलॉन्ग दी वाई डायरेक्शन हो रहा है वेलोसिटी अलोंग दी वाई डायरेक्शन हो रहा है इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ चला जा रहा है ये इंक्रीज होता चला जा रहा है यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इतनी थी ठीक है ये वेलोसिटी जो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है अब हम एक काम करें अब हम एक चीज़ करें कि हम अगर इन इस सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक सारे डिस्ट्रीब्यूशन को अगर एक लाइन के साथ कंटेक् कॉन्टैक्ट कर एक लाइन के साथ कनेक्ट कर दे ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक लाइन के साथ तो ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये जो लाइन है ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर बेसिकली बाउंड्री लेयर क्या है बाउंड्री लेयर जो है वो एक इमेजनरी लाइन होता है वो एक इमेजनरी लाइन होता है जो कि सेम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट करेगा कितने यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी है ये सारा वेलोसिटी जो होगा ये सारा वेलोसिटी जो होगा वो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट या बोल सकते हैं 99 नाइन परसेंट ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर में होगा मतलब बाउंड्री लेयर पे बाउंड्री लेयर पे जब भी हम किसी भी पॉइंट की आ, किसी उस पॉइंट पे किसी भी फ्लूड पार्टिकल की अगर हम वेलोसिटी चेक करना चाहेंगे या मेजर करेंगे तो उस टाइम में फ्लूड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी वो वेलोसिटी होगी पॉइंट नाइन नाइन यानी कि नाइन्टी परसेंट ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के हंड्रेड पर तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट नाइन नाइन परसेंट के बराबर में हो जाएगी और उस सारा पॉइंट जो जो भी जो भी उस वेलोसिटी को कनेक्ट कर रहा हो उस वेलोसिटी को कनेक्ट करने वाला पॉइंट पॉइंट हम हम क्या बोलेंगे उस को लोग बोल, बोलते हैं बाउंड्री लेयर ओके तो एक बार इसको अगर क्विक रिविजन कर लें तो बाउंड्री लेयर क्या होता है बाउंड्री लेयर कुछ नहीं एक इमेजनरी लाइन होता है जो वो लाइन होता है जो कि उस प्लेट के ऊपर फ्लो होने वाले जो भी फ्लूड है उस फ्लो फ्लूड की जो वेलोसिटी होगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर वो 99 परसेंट ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर में हो जाती है और हम उस सारे पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे तो उस सारे पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जो हमें लेयर मिलेगा उस लेयर को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है वो होता है नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन ये होता है कि जब भी कोई भी फ्लूड किसी भी अगर सॉलिड प्लेट बाउंड्री के साथ या सॉलिड प्लेट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है अगर वो सॉलिड प्लेट की उस सॉलिड प्लेट की वेलोसिटी अटेंड कर ले तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन ओके अब चलते हैं अब हम आगे की आगे का डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कशन में देखेंगे हम लोग आगे की डिस्कशन में कि जैसा कि हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने अपना बाउंड्री लेयर फॉर्म करवा लिया हमने ये बाउंड्री लेयर फॉर्म करवा लिया था ये बाउंड्री लेयर अभी लेमिनार जोन या लेमिनार बाउंड्री लेयर या टर्बुलेंट या ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर जोन जाने से पहले बाउंड्री लेयर के बारे में एक और छोटा सा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा सपोज करते हैं कि ये हमारा बाउंड्री लेयर बन गया था ये हमारा बाउंड्री लेयर बन गया था ठीक है यहाँ हमने बताया था आपको कि यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी ये वेलोसिटी अलग होगी ये वेलोसिटी अलग होगी ये वेलोसिटी अलग होगी समथिंग समथिंग यानी कि अगर आप इस किसी भी पोजीशन पे चेक करें किसी भी पोजीशन पे चेक करें अगर हम इस पॉइंट के लॉन्ग वाई के लॉन्ग देख रहे हैं तो अगर इस पॉइंट पे और यहाँ पे दोनों पे क्या वेलोसिटी सेम है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वेलोसिटी सेम है लेकिन अगर हम इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो वो सेम नहीं होगा अगर हम सिमिलरली अगर हम ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट अगर हम ये तीनों पॉइंट की वेलोसिटी चेक करें तो ये कॉन्सटेंट यानी कि सेम नहीं होगा ये कॉन्स्टेंट या सेम नहीं होगा

डी यू अपॉन डी वाई ये था ना जिसमें ये क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट था यानी कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डिस्टेंस जब वैरी कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि बाउंड्री लेयर के जो बाउंड्री लेयर वाला जो पोजीशन है बाउंड्री लेयर के अंदर में जो भी फ्लूड पार्टिकल है उसके अंदर में वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है सेम नहीं है ओके तो वहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हो रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ उस पॉइंट पर उस पोजिशन पर सेरिस्ट्रस भी डेवलप हो रहा होगा यानी कि अगर आप अगर आप ध्यान से हम लोग लिखें अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो बाउंड्री लेयर के अंदर इस पोजिशन पे इस पोर्सन पे शेयर स्ट्रेस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अब हमें पता है कि इसके ऊपर इस पोर्शन पे अगर हम चले ये पोर्शन पे चले ये पूरे पोर्शन पे अगर हम लोग चलें तो हमें पता है कि इसके ऊपर में क्या है वेलोसिटी की वैल्यू क्या है जीरो के बराबर में नहीं है डी यू बाई डी वाई यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो है

अगर हम शेयर यहाँ की बात करें शेयर स्ट्रेस अगर हम बाउंड्री लेयर के अंदर की बात करें तो यहां पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है स्लाइड हो सकता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर में स्लाइड हो सकता है तभी तो शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा उस बॉडी पे उस फ्लू पार्टिकल पर तभी तो क्या है शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा तो अगर हम उस पोजिशन पर उस पॉइंट को भी अगर हम ध्यान से कंसिडर करें कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ स्लाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने एक्सेस पे क्या हो सकता है ये रोटेट हो सकता है अपने एक्सिस पे क्या हो सकता है ये रोटेट हो सकता है इसका मतलब क्या है कि ये, ये अगर ये पार्टिकल की हम बात करें और ये दूसरे वाले पार्टिकल के साथ अगर स्लाइड हो रहा है स्लाइड हो रहा है तो आप देख सकते हैं स्लाइड होने के लिए अगर ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है तो अपने एक्सिस पे तो ये कह सकता है रोटेट कर सकता है इसका मतलब क्या है, है? रोटेशनल कंपोनेंट यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है जीरो के बराबर में नहीं है ओमेगा भी जीरो के बराबर में नहीं है इनसाइड द बाउंड्री लेयर लेकिन और जैसे ही ऊपर में जैसे शेयर स्ट्रेस यहाँ पे बाउंड्री लेयर के बाहर शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है सेर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो के बराबर में हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि आप एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाउंड्री लेयर के बाहर में फ्लूट पर शेयर स्ट्रेस भी एक्ट नहीं हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी भी उसकी जीरो है तो हम इसको क्या आइडियल फ्लूट बोल सकते हैं इस से हम बात कर रहे हैं बाउंड्री लेयर से बाहर वाले बाहर वाले फ्लूट के जहां पे सेरेस्ट्रेस भी एक्ट नहीं कर रहा है सेरेस्ट्रेस मतलब एक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब विस्कोसिटी उसकी नहीं है विस्कोसिटी जीरो हो गई तो क्या हम इसको आइडियल फ्लो आइडियल फ्लो बोल सकते हैं आइडियल फ्लूट बोल सकते हैं जी नहीं नहीं बोल सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पे कंप्लीटली वो स्टेटमेंट सही नहीं है कंप्लीटली वो स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आइडियल फ्लूट के लिए इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए, विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए लेकिन इसमें क्या बस एक ही कंडीशन वो सेटिस्फाई अभी कर रहा है तो ये इस टाइप के फ्लू जो बाउंड्री लेयर के बाहर होते हैं उस टाइप के फ्लूड को हम लोग पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं ना कि आइडियल फ्लो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तो अभी तक हम क्या देख लिए अभी तक हम देख लिए कि बाउंड्री लेयर के अंदर में सेरेस्ट्रस की वैल्यू जीरो के बराबर में नहीं होती है एंगुलर वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं हो सकती है अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो के बराबर में नहीं है इक्वल टू जीरो नहीं है इसका मतलब यहाँ पे जो वोटोसिटी जो होती थी वो भी जीरो के बराबर में नहीं होती थी क्योंकि वोटोसिटी किससे डिराइव होता था वोटिसिटी जो होती थी वो एंगुलर वेलोसिटी से डिराइव होती थी ओके एंगुलर वेलोसिटी से डिराइव होती थी तो इन सारे कंडीशन को देखते हुए अगर हम इस पार्ट को समराइज करें अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें बाउंड्री लेयर के डिस्कशन को तो हम बोल सकते हैं कि बाउंड्री लेयर इन साइड दी बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ सेरेस्ट्रस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंगुलर देर इज सम एंगुलर वेलोसिटी इन साइड द फ्लूड पार्टिकल किस ऑन किसके कारण हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं मतलब सेरेस्ट्रस एक्ट हो रहा है तो एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड हो रहे हैं इसके कारण से क्या हो रहा है कि एक एक

99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इसका मतलब क्या है कि हर एक इन सारे पॉइंट पे इन सारे पॉइंट पे इन सारे पॉइंट पे अगर हम इस पे ध्यान दें इन सारे पॉइंट पे ध्यान दें तो यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो के बराबर में आया वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब वहां पे शेर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो गई स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो गई ओके सेम अगर स्ट्रेस वेलोसिटी स्ट्रेस की वैल्यू जीरो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर में वो स्लाइड नहीं कर रहे जैसी स्लाइड नहीं करे तो उन दोनों उन वो बाउंड्री लेयर के बाहर वाले जो फ्लूड पार्टिकल होंगे उनके ऊपर में उनके रोटेशनल मोमेंट भी नहीं होगा कोई रोटेशनल कंपोनेंट uh, भी नहीं होगा इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे जीरो हो गई ओके okay? ये तक अभी तक था बाउंड्री लेयर के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कशन ये हम लोग बाउंड्री लेयर के अब हम बात करेंगे कि बाउंड्री लेयर जो होता है बाउंड्री लेयर जो होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं जब बाउंड्री लेयर फॉर्म होता है किसी भी सॉलिड प्लेयर सॉलिड बाउंड्री के ऊपर में तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है वो तीन पार्ट में पहला जो पार्ट होता है वो होता है लेमिनार पहला जो पार्ट होता है वो लेमिनार जोन होता है दूसरा जो पार्ट होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो टर्बुलेंट जोन होता है ट्रांजिशन जोन मतलब जस्ट वो लेमिनार से लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा तब जाके क्या होता है तब जाके ये ट्रांजिशन जोन में होता है मतलब कन्वर्जन वाले फेज में वो ट्रांजिशन जोन में होता है अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो हमारा जो फ्लो है वो यहाँ तक लेमिनार है या यहाँ तक जो है वो यहाँ तक वो टर्बुलेंट uh, है या यहाँ तक ट्रांजिशन है इसके लिए आप लोग को रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करना पड़ेगा रेनॉल्ड्स नंबर का वो भी कौन सा रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर लास्ट क्लास में हम लोग ने जब पढ़ा था तो रेनॉल्ड्स uh, नंबर की बात करें तो आर की जो वैल्यू होती है फोर फ्लैट सॉलिड प्लेट के लिए वो होती है फाइव इंटू टू दी पावर फाइव अगर रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इस पॉइंट से कम है इस इससे कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्लो कौन सा है वो लेबिनार्लो यानी नंबर की वैल्यू कितनी होती है वो होती है वो होती है फाइव इंटू टेन टू दी पावर फाइव के बराबर में ओके तो अब हम जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि रिनल्स नंबर की वैल्यू कितनी है फाइव इंटू टू दि फाइव अगर हमें हमें अगर पता करना हो कि कहां पे जाके मैक्सिमम एक्सटेंट है इस पूरे फ्लैट प्लेट में मैक्सिमम एस्ट्रेंट लेमिनार जोन का कितने पे है ये कैसे पता करेंगे इसके लिए सबसे एग्जांपल सबसे सही तरीका सबसे सही जो अप्रोच है वो ये है कि हमें पता होता है हमें पता है कि रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी होती है रिनॉल्स नंबर की वैल्यू होती है रो वी एल अपॉन न्यू ये होती है रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जहाँ पे रो क्या होता है रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूड वी क्या वी जो है वो होती है वेलोसिटी फ्लूड की वेलोसिटी एल क्या है एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ फ्लो लेकिन यहां इस केस में इस हमारे इस सॉलिड बाउंड्री के केस में लेंथ ऑफ फ्लो की जगह हम लोग ले लेंगे लेंथ ऑफ प्लेट लेंथ ऑफ प्लेट ये हम लोग लेंथ ऑफ प्लेट कंसिडर कर लेंगे न्यू क्या है न्यू होती है डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक वेस्कॉसिटी ओके तो अगर हमें अगर हमें पता है कि आरई e की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे है आड़ी की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि फाइव इंटू टेन टू तो दी पावर फाइव है अगर हम इस पूरे इक्वेशन में अगर सपोज़ कर ले कि हमें लेंथ नहीं पता है कि कहाँ पे जाके ये मैक्सीम मैक्म उस पॉइंट तक में वो लेमिनार रहेगा अगर ये कंडीशन हमें नहीं पता है तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि फाइव इंटू टेन टू तो पावर फाइव इक्वल टू तो रो वी एक्स हम ले लेते हैं कि लेंथ एक्स वो लेंथ है जहाँ पे ये लेमिनार से ट्रांजिशन फेज में चला जाएगा लेमिनार से ट्रांजिशन फेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो रो वी एक्स अपॉन न्यू एक्स अपॉन न्यू ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से जो एक्स की वैल्यू आएगी अगर हमारे पास फ्लूट की वेलोसिटी पता है यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी पुट करेंगे यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी पुट करेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लोग पुट करेंगे ये वेलोसिटी होगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इन्फानाइट अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखे तो ये इस क्वेश्चन लिखा लिख हम लोग लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन टू दी पावर फाइव इक्वल टू रो यू इन्फानाइट इंटू एक्स अपॉन ये जो कंडीशन है ये जो कंडीशन है ये पूरा कंडीशन क्या है ये कंडीशन बताएगा कि इस एक्सटेंट तक में जो बाउंड्री बाउंड्री लेयर के इनसाइड जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो हो रहा है यहां से हम एक्स की की वैल्यू वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एक्स निकालना इक्वल टू तो हम कैसे X लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन टू पावर फाइव म्यू रो यू इन्फानाइट इंटू यहाँ पे एक्स तो है ही तो यहां इस कंडीशन इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि एक्स की वो वैल्यू वो वैल्यू जिसपे की फ्लो जो है मेरा लेमिनार रहेगा इनसाइड दी बाउंड्री लेयर ओके अब बात करते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की बात करेंगे अब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर मतलब क्या हुआ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर मतलब कि वहां पे जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मतलब फ्लूड एक दूसरे के साथ पैरल फ्लो नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ फ्लो पैरली फ्लो नहीं कर रहे होंगे ऐसा कब होता है जब सडन इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है अगर हम किसी भी फ्लूड फ्लो में वेलोसिटी का वो इंक्रीज़ कर दे अगर हम किसी फ्लूड फ्लो में वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दें तो उसके कारण से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है मतलब फ्लक्चुएशन आ जाता है उसके पाथ मूवमेंट में पाथ मूवमेंट में पर फ्लक्चुएशन आ जाता है उसी टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो उसी टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो तो टर्बुलेंट फ्लो का जो जोन होता है टर्बुलेंट फ्लो का जोन होता है वो ऐसा जोन होता है जो लेमिनार जोन कंप्लीट होने के बाद से ही शुरू हो जाता है लेमिनार जोन के ख़त्म होने के बाद से ही शुरू हो जाता है ओके इसका मतलब क्या है कि हम लोग ने एक्स वैल्यू निकाल लिया था जहाँ तक कि फ्लो जो था वो टर्बुलेंट था हम लोग ने वो ऐसी वैल्यू निकाल ली थी जहाँ पे जो फ्लो था वो टर् वो लेमिनार था लेकिन जब जैसे ही जैसे ही आ उस कंडीशन उस लेंथ के आगे एक्स की वैल्यू से अगर एक्स ग्रेटर देन अगर एक्स ग्रेटर देन एक्स वन हो जाता है यहाँ से यहाँ तक X, X, ये वैल्यू एक्स की थी ये वैल्यू हमारी एक्स की थी और ये क्या है एक्स ग्रेटर देन एक्स वन हो जाता है एक्स ग्रेटर देन एक्स वन हो जाता है तो उस केस में उस केस में जहां पे फ्लो चल रहा है अगर वो एक्स की वैल्यू से एक्सीड कर जा रहा है तो उस केस में जो फ्लो हो रहा होगा वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होगा उस केस में जो फ्लो हो रहा होगा उस केस में फ्लो हो रहा होगा उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोल सकते हैं ओके अब टर्बुलेंट फ्लो में एक एक छोटा सा फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार सबलेयर एक छोटा सा फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार सब्लेयर लेमिनार सबलेयर क्या होता है लेमिनार सबलेयर टर्बुलेंट रीजन में एक ऐसी बाउंड्री होती है टर्बुलेंट रीजन में एक ऐसी बाउंड्री होती है जो कि प्लेट के बाउंड्री के साथ एग्जिस्टेंट रहता है मतलब उसके बहुत ही बगल में रहता है वहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा होता है उस जोन में जो फोर्स एक्ट हो रहा होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं उस टाइम में जो फोर्स एक्ट हो रहा हो डोमिनेंटली वो, वो, विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा होता है वो डोमिनेंटली कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा होगा विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा हो। विस्कस फोर्स मतलब क्या है वहाँ पे विस्कोसिटी जाता है मतलब वहाँ पे स्ट्रेस एक्ट हो रहा होगा जब बेसिकली हम लोग ने जब अपने डिस्कशन में जब हम लोग ने रेनॉल्ड्स नंबर और या टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस किया था लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में तो हमने बताया था कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स होता है इसका मतलब कि जहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर कम आती है इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे विस्कस विस्कस फोर्स क्या

लेमिनार कंडीशन क्यों क्योंकि उस टाइम में उस फ्लो की जो वेलोसिटी होती है उस टाइम में उस फ्लो की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर में होती है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर में होती है तो यानी कि रिनॉल्स नंबर के लिए टर्बुलेंट फ्लो के लिए जितना हमें रिनॉल्ड्स नंबर चाहिए जितनी वेलोसिटी चाहिए हम कह सकते हैं उतनी वेलोसिटी वो अटेंड नहीं कर पाता है. इसका मतलब अगर उतनी वेलोसिटी वो अटेंड नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन उस उस प्लेट के ऊपर वो एक धीरे धीरे थिकनेस फॉर्म थिक फॉर्म लेयर फॉर्म करता हुआ चला जाता है जिसको हम लोग लेमिनार सब लेयर के नाम से जानते हैं और यहाँ पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है टॉनॉट तो निकल टू तो तो न्यू डी यू अपन डी वाई तो अगर हम इस पूरे आज के पूरे डिस्कशन को अगर हम कहीं एक एक, एक साथ अगर समराइज करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि लेमिनार जो रीजन होता है लेमिनार सॉरी बाउंड्री लेयर जो होता है वो लेयर होता है वो इमेजनिंग लेयर होता है जो कि उस सारे पॉइंट को कनेक्ट करता है जहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के 99 ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए अप्रॉक्सिमेटली इक्वल हो जाए ओके okay? यानी कि यहां पे इस पे इस लाइन आने वाला जितना भी पॉइंट आप चाहिए मेजर करते हैं यहां पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो पॉइंट नाइन ऑफ यू होती है यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो पॉइंट नाइन ऑफ यू होती है होती है ओके यहां से जहां से फ्लो स्टार्ट होता है उस flow, उस, उस फ्लो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लीडिंग एज यहां से जो फ्लो स्टार्ट होता है उस पॉइंट के को हम लोग बोलते हैं लीडिंग एज ओके दूसरा कंडीशन होता है कि जो बाउंड्री लेयर जो बाउंड्री लेयर होता है उसका जो प्रोफाइल बनता है लेमिनार के केस में वो एक पैराबोलिक प्रोफाइल होता है लेमिनार के केस में जो बाउंड्री लेयर का प्रोफाइल बनता है वो एक प्रोफाइल बनता है उस प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक प्रोफाइल बाउंड्री यहाँ ये यह जो डेल्टा होता है ये जो डेल्टा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस ये जो डेल्टा होता है ये रिप्रेजेंट करता है क्या ये रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री लेयर थिकनेस

का बाउंड्री लेयर ऑफ टर्बुलेंट फ्लो देखा जाए तो उसकी जो प्रोफाइल होती है वो लॉन्ग रिदमिक प्रोफाइल होती है उसकी जो प्रोफाइल होती है वो लॉग रिदमिक प्रोफाइल होती है ओके okay? दूसरा जैसे जैसे जैसा जैसा बाउंड्री लेयर की जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है एज यहां इस पॉइंट से सॉरी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी बढ़ती जाती है बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे थिकनेस डिक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज होती होती हुई चली जाती है वेलोसिटी क्या है इंक्रीज होती हुई चली जाती है लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है पावर लॉ या प्ले, 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 प्ले उसको बोलो उसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग प्रेंटल वन सेवेंथ पावर लॉ टर्बुलेंट फ्लो जो लॉ फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रांटल वन सेवंथ पावर लॉ लेमिनार कंडीशन निकालने के लिए जो हमें कंडीशन यूज करना था वो कंडीशन था ये डिनोल्ड नंबर की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें निकालना होता है वो डिपेंड करता है किस पे क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्रिटिकल वेलोसिटी प्लेट के लिए कितना होता है फाइव इंटू टेन टू दी पावर फाइव होता है ओके okay? दूसरा जो कंडीशन होता है कि क्रिटिकल वैल्यू जो डिपेंड करता है लेमिनार कंडीशन वो डिपेंड किस पे करता है टर्बुलेंस पे डिपेंड करता है सर्फेस रफनेस पे डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे प्लेट कर्वेचर पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फ्लूड एंड बाउंड्री यानी कि ये पांच पॉइंट ये पांच पॉइंट पे डिपेंड करता है कि फ्लूड फ्लो में फ्लोर की वेलोसिटी में टर्बुलेंस कितना है सरफेस का रफनेस कितना यानी कि प्लेट के सर्फेस का रफनेस कितना प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितनी आ रही है प्लेट का कर्वेचर कैसा है स्ट्रेट है या कर, सर्कुलर कर्वेचर है अगर सर्कुलर कर्वेचर होता है तो उसे ज्यादा सर्फेस एरिया कवर करना पड़ता है ज्यादा इसका मतलब तो उसमें ज्यादा एनर्जी उसकी लॉस होगी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी जिसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा उसकी उसकी कम वेलोसिटी हो जाएगी तो ये सारा फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है क्या डिफाइन करता है कि फ्लो हमारा कौन सा है कंडीशन कौन सा है बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए एक्सेट्रा ओके थैंक यू